जयपुर में पुलवामा की शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर सियासत बेहद गर्मा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज इस मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। जोरदार विरोध प्रकट किया जा रहा है। जयपुर में बीजेपी का ये प्रदर्शन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को नेताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर गरमाई है राजस्थान की सियासत। और इस बीच अपने ही सरकार पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जयपुर में सड़कों पर उतर आए हैं। देख सकते हैं विरोध प्रकट किया जा रहा है, सुनवा भी रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देव अंकुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देव, किस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? राजस्थान में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने और उसके पहले सियासत पूरी तरह से सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से बसों में बीजेपी के नेताओं को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बसों में भर के ले जाया जा रहा है यहाँ से, क्योंकि एक बड़ा जो है आंदोलन बीजेपी करना चाह रही थी, मुख्यमंत्री के निवास की तरफ जाना चाह रही थी। और ये जो तमाम बीजेपी के नेता हैं इनको बसों में भरकर आशुतोष यहां से ले जाया जा रहा है। करीब आधे घंटे तक पुलिस और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की लड़ाई हुई है। यहाँ पर जबरदस्त आक्रोश बीजेपी के नेताओं के अंदर भरा हुआ है और तमाम ये जो नेता हैं, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको दिखाएं आगे जाकर कि किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। राजेंद्र जी, सरकार की नारुचाई है, सरकार जिस प्रकार हमें कुचलने की कोशिश कर रही है, हम कोई घबराने वाले नहीं है। भाजपा के नेता राजेंद्र राठौर कहते हुए कि गहलोत सरकार का अमानवीय चेहरा नजर आया है और ये बता कहते हुए कि जिस तरह से तीन वीरांगनाओं के मामले में अशोक गहलोत सरकार ने अपना बर्बरतापूर्ण रवैया दिखाया है, वो दिखाता है कि कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है आशुतोष, बीजेपी कह रही है वो बाहर निकल कर आ गई है। इनका कहना है कि सचिन पायलट के इतने खिलाफ हो गए हैं अशोक गहलोत, और जिस तरह से सचिन पायलट ने इस पूरे मुद्दे पर मुखर होकर सामने आकर अपना वक्तव्य जारी किया है, अपना जो प्रस्पेक्टिव है वो बताया है, उससे इतना बिफर गए हैं अशोक गहलोत के वो इस पूरे मामले में टस से मस नहीं होना चाहते और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार से सरकार झुकती हुई नजर ना आए। आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन एक बार आपको पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस अधिकारियों की कितनी भारी संख्या में यहाँ पर प्रेजेंस है और पुलिस नहीं चाहती थी कि मुख्यमंत्री निवास की तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जाएं, जिसकी वजह से तीन जो अभी जेल में जा रहे ये दीवाने कहाँ चले। जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ से पुलिस जो है वो हटा रही है, हटा चुकी है कईयों को, और किस तरह से बीजेपी जो इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये चुनावी साल है और उसको लगता है कि उसके नेता राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं था, वो अमानवीय था, और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर सड़कों पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने में लगी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कई बसों में भर कर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बसों के अंदर ठूसे हुए हैं और उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक जो बस है उसका शीशा तक तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो उत्पात मचा है वो करीबन 40 मिनट तक चला है आशुतोष, और बीजेपी को लगता है कि अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह से न केवल तीन वीरांगनाओं को अपने पास बुलाकर बात नहीं की है, पर जिस तरह से रात के अंधेरे में लगभग कहा जा रहा है कि 3:15 के करीब
वीरांगनाओं को सचिन पायलट के घर के बाहर से हटाया जाता है, उनको वहां से अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है, किसी को भरतपुर, किसी को कोटा और किसी को जयपुर के शाहपुरा में भेजा जाता है। और उसके बाद जब कोशिश की जाती है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के द्वारा कि वो उनके घर के पास जाएं, तो उनको ना केवल रोका जाता है, बैरिकेड्स खड़े कर दिए जाते हैं, राज्यसभा सांसद को किसी से मिलने से रोका जाता है, एक वीरांगना से रोका मिलने से रोका जाता है, और ना केवल बैरिकेड्स खड़े कर दिए जाते हैं, आरोप यह है कि बेहद बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको हटाया जाता है, खदेड़ा जाता है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। और भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि उनको चोटें आई हैं, वो इस समय जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं। पर यहाँ पर सड़क पर तमाम जो ये कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनका कहना है कि ये इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, उनके नेता के साथ जो कुछ हुआ है उसका बदला सरकार को पटखनी देगी। अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के, कितनी तादाद होगी और कौन इसको लीड कर रहा है, कोई वहां पर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है, सब कुछ ये तफसील से जानकारी दे और तस्वीरें भी दिखाते रहे। देव बिल्कुल आशुतोष, कैमरा पर्सन मनीष को मैं कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके दाएं से लेकर बाएं तक आपको दिखाएं कि कितनी संख्या में भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। यहां पर कई नेता जो हैं पहुंच रहे हैं, यहां पर जो ये नेता जिनको भरकर ले जाया जा रहा है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है, इसके अलावा उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, तमाम और कई नेता हैं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रदेश के अरुण चतुर्वेदी हैं, घनश्याम तिवाड़ी हैं, तमाम अलग अलग जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से आप यहाँ पर बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर सड़क पर उतरी है आज, क्या लगता है इसको मुद्दे को बड़ा बना पाएगी बीजेपी चुनावी सर? बिल्कुल सर, इसका बहुत असर रहेगा। राजस्थान के अंदर जो एक जननायक है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, वो 10 दिन से जो वीरांगनाओं को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जो धरना दे रहे थे, उनके साथ में रात को 3 बजे बदसलूकी करके और ले गए और ऐसी जगह ले जा करके उनके साथ में धक्का मुक्की की, उनके अर्थनगर व्यवस्था में कर दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का तो मुखिया लोकतंत्र शासन व्यवस्था, उसमें गवर्नमेंट चुनती है इनको, और मुखिया को आकर के संवाद करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उसे हल निकल। धन्यवाद आशुतोष, कोशिश करेंगे कि उपनेता विपक्ष जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं उनसे बात करें। राजेंद्र जी, आगे का क्या रुख रहेगा भाजपा का इस पूरे मामले पर? देखिए, पूरी भाजपा एकजुटता से इस पूरी लड़ाई को लड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी गिरफ्तारी दी है, मैंने भी गिरफ्तारी दी है, हमारे एक दर्जन MLA ने भी गिरफ्तारी दी है। अब यह आंदोलन के बारे में आगे की रणनीति हम संगठन के साथ बैठ के, क्या आपको लगता है एक अमानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है अशोक गहलोत का, मुख्यमंत्री का? निश्चित तौर पर जितनी अमानवीय बातें वीरांगनाओं के साथ हुई है, जिस प्रकार का बर्ताव हुआ है और हमारे राज्यसभा के सदस्य के साथ, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। क्या लगता है कि कांग्रेस की लड़ाई बाहर आ गई है इस मुद्दे के जरिए? कांग्रेस की लड़ाई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई बाहर आ गई है? सचिन पायलट चूंकि वीरांगनाओं के पक्ष में उतरे हैं, इसी से गहलोत साहब नाराज है। अब इसकी नाराजगी के कारण आज इस प्रकार का वातावरण बना हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। तो आशुतोष, आपने सुना राजेंद्र राठौड़ को बोलते हुए कह रहे थे कि सचिन पायलट के घर के बाहर वीरांगनाएं बैठी हुई थी और यही नागवारा गुजरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और इसी वजह से वो इस पूरे मामले का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। पर भाजपा ने जिस तरह से इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है, पहले लग रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ही हैं जो कि भाजपा में एक तरह से इस मुद्दे को बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में उठा रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, वीरांगनाओं की बात को आगे रख रहे हैं। पर आज जिस तरह से भाजपा के कई नेताओं ने, कई वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उपनेता विपक्ष मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, ये लोग आज सड़क पर उतरे हैं। इन्होंने पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया है, डिटेन किया है, और जिस तरह से बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हैं।